हेलो लवली व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने घर पर होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि मुझे आपसे कुछ गुड न्यूज़ शेयर करनी है, तो यस, मुझे आपसे कुछ अच्छी एक बात है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। और होता भी है जब हम अपनी फैमिली में होते हैं तो हम मतलब अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी शेयर करते हैं। तो आप और हम एक फैमिली बन चुके हैं, तो यस, मुझे आपके साथ एक गुड न्यूज़ है जो शेयर करनी है और उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। लेकिन सबसे पहले बता दूँ, मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी। कोई सोचेगा कि 5 बजे कौन सा जल्दी होता है, लेकिन यस, जो लोग मुझसे पहले उठ जाते हैं उसके लिए जल्दी नहीं है, लेकिन जो लोग मुझसे लेट उठते हैं उसके लिए जल्दी है। तो 5 बजे उठ के मैंने सबसे पहले तो योगा किया, क्योंकि योगा मैं करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा ज़्यादा किया, 1.5 घंटे किया था आज मैंने योगा। और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करके मैं नहा ली थी। तो अब मैंने सोचा चलो अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, जो मुझे गुड न्यूज़ देनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन सबसे अब मैं जा रही हूँ किचन के अंदर, मैंने सब्जी नहीं बनाई थी तो मैं अब सब्जी बनाने जा रही हूँ। और बनाऊँगी मैं सोयाबीन की दाल बनाऊँगी मैं, तो वो मैंने ओवरनाइट रख दी थी रात को भिगो के, और अब मैं उसे उबाल के उसकी सब्ज़ी बना लूँगी और उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं आपको पहले किचन में लेके चलती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी आके। तो देखिए गाइस, ये है सोयाबीन की दाल जिसको मैं कुकर में सीटी लगाऊँगी। अब तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, 4 लाल मिर्च हैं, 1 प्याज और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, इनको मैं पीस लूँगी अब। तो गाइस, मैंने यहाँ पर डाल दिया तेल, तेल होने के बाद मैं डाल रही हूँ जीरा। तो जीरा हो चुका है, जो हमने मसाला पीस के रखा था वो डाल दूंगी मैं इसके अंदर। धनिया, हल्दी और नमक, मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मिर्च पहले पीस ली थी लाल वाली। जितनी पतली सब्जी हमको रखनी है हम अपना पानी डालना है इसमें। तो गाइस, जो दाल मैंने उबाल के रखी थी वो भी हो चुकी है और साथ मैंने आलू उबाल रखे थे। मैं दाल थोड़ी सी जल गई है, इसे इग्नोर कीजिएगा। अब जो हमारा ये मसाला जो हो चुका है, इसमें हम डालेंगे दाल और आलू। ये देखिए मैंने डाल दिया, अब हम इसे सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे, क्योंकि मसाला हमारा पक चुका है और आलू और दाल जो थे वो भी हमारी उबली हुई थी। तो सिर्फ हमें इसे गैस पे 5 मिनट रखना है और हमारी तो देखिए गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो। तो गाइस, सब्जी मेरी बन चुकी है, 11 बज चुके हैं और अभी ये लोग खाना पीना नहीं खाएंगे, ये 1 या 1.5 बजे खाएंगे, तो मैं उसी टाइम खाना बना दूंगी, रोटी बना दूंगी। और दूसरा जो काम था मेरा वो ही फिनिश हो चुका है। तो सोचा मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ जिस बारे में मुझे आपसे बात करनी है। तो आपने ये देखा होगा कि जो मैंने मलाई से घी बनाने वाली वीडियो थी, वो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो को, बहुत ज़्यादा। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग इतना प्यार दोगे इस वीडियो को, तो आपने बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। उस वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं ये चाहती हूँ, तो जो मैंने चाहा आपने वो पूरा कर दिया। तो इस वीडियो में भी मैं ये बोल रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि आप जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं या जो आ चुकी हैं मेरी वीडियोज़, इस वीडियोज़ को भी आप तो बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसमें कंजूसी कर जाते हो, तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए। मेरे चैनल को जैसे आपने वीडियो को प्यार दिया है, उसी तरह मेरे चैनल को ही प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस यही बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी और बस यही था। हाँ, और एक चीज़ और, जो मैंने ऑनलाइन सामान मंगाया था वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, थोड़ी देर में दिखाऊंगी, अभी नहीं, अभी मुझे और भी कुछ काम करना है। पहले तो मैं ऊपर जा रही हूँ कमरे की सफाई करने के लिए, बस वो कमरा बचा है जिसमें मैंने अभी सफाई नहीं की है, क्योंकि देखती हूँ परी के पापा काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं उस कमरे में लेट ही जाती हूँ। तो बस यही बात करनी थी आपसे, तो अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, ये है हमारा आज का लंच, सब्जी, चटनी, रोटी, छाछ
और प्याज। तो आप सभी आ जाइए और कर लीजिए हमारे साथ लंच। तो गाइस ये वो सामान है जो हमने ऑनलाइन मंगाया था, इसमें है चौकोज, ये बिस्किट्स हैं, बिस्किट ही ज़्यादा मंगाए थे क्योंकि परी खा लेती है तो बस इसलिए ज़्यादा बिस्किट मंगाए थे, और ये डब्बे हैं दो, साइज़ तो हमने दूसरा करके मंगाया था लेकिन अब साइज़ ही बहुत छोटा आ चुका है। ये हैं पार्ले जी गोल्ड जो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, सिंपल पार्ले जी तो मिल जाते हैं लेकिन पार्ले जी गोल्ड नहीं मिलते हैं तो इसलिए हमने ऑनलाइन मंगाए थे ये वाले पार्ले जी। और ये वाले बिस्किट जो हैं ये मेरे फेवरेट हैं क्योंकि इसमें मीठा बहुत कम होता है, लाइट मीठा है इसके अंदर तो इसलिए मैंने खा भी लेती हूँ बिस्किट को। और ये हींग है, बर्तन धोने की साबुन, और ये बिस्किट है, ये है वो वाला, ये ओट्स वाला बिस्किट है, ये सर्फ, बेसन, जीरा, ये बादाम की पैकेट है, ये दो हैं, एक और है, और ये आटा, आटा स्कीम में था, ये शुगर, ये सामान काफ़ी सारा तो इसलिए गड़बड़ हो रही है, ये यहाँ रख दिया है दोनों, बादाम की पैकेट और किशमिश, और ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपना ऊपर वाला रूम। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। तो मैं कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।